रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पत्र जिसका प्रश्न पत्र की बात कर रहे हैं, इसमें अभी पहुंच चुके हैं 176 से लेकर प्रश्न संख्या 200 तक, तो यानी टेस्ट सीरीज का 9 है, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस यानी जीए और जनरल साइंस यानी जीएस की केवल बात कर रहे हैं, और ये सारा रेलवे में आया हुआ प्रश्न है और सारे प्रश्न की लेवल स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें जो प्रश्न लिया हुआ है जेई एग्ज़ाम 2014 का रेड सेट, और रेड सेट यहाँ समाप्त होते ही समाप्त हो गया, यहाँ पे येलो और ग्रीन और रेड यानी तीनों सेट 2014 का जेई का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न जुड़ गए हैं एलपी सीबीटी 1 2018 के, तो इसके बाद से एलपी सीबीटी 1 वाले जितने प्रश्न कई सारे शिफ्टों की आई हैं वो सब करके जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के प्रश्न कर यहाँ पे लाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो कल तक हमने इसमें बात किया था 175 नंबर प्रश्न तक, जिसमें हमने बात किया था स्विमिंग इज पॉसिबल इन अकाउंट, तो स्विमिंग होता है न्यूटन के थर्ड लॉ के द्वारा प्रतिक्रिया विपरीत अथवा बराबर होती है, उसके आधार पर स्विमिंग पॉसिबल है। आज शुरू करते हैं 176 से, यानी वीडियो का पार्ट 9 टेस्ट सीरीज है, तो जिसमें बात करेंगे गरबा डांस फ्रॉम स्टेट बिलोंग। तो गरबा सब लोग जानते हैं, बिल्कुल नवरात्रों में बजने वाला गरबा त्यौहार डांस भारत के गुजरात राज्य से बिलोंग करता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के कई भागों में भी होता है, महाराष्ट्र का भी होता है, लेकिन ओरिजिन इसकी गुजरात है, यानी गुजरात में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए गुजरात को माना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। उसके बाद अगला 177 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो इसमें आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन कौन सा इसमें से नहीं है, वो बताना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्बुशन ऑफ फूल यानी तेल को जलना या आयल को जलना क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी बात अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाई वाटर यानी H2SO4 होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये अगर इसको बनाते हैं उसमें एसिड करते हैं तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, पानी में जब एसिड को मिलाते हैं। उसके बाद अगला है आपका ऑक्सीडाइजेशन अब्लिक रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना आयरन में जंग लगना क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो आपके पास एक ही बच गया है जो आंसर राइट है, ग्लोइंग ऑफ पेल्टिनियम वायर, अगर इस वायर को जला जाता है यानी या लाइट देता है उस कंडीशन में इसमें कोई फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है जब तक इसकी लॉ ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है, यानी यहाँ कह रहा है ग्लोइंग ऑफ पेल्टिनियम वायर ये बिल्कुल फिजिकल स्टेटस चेंज है, इसमें कोई रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। उसके बाद 178 नंबर प्रश्न, बिल्कुल आम बात, हर प्रश्न हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, डीसी सीरीज मोटर का सूटेबल होता है किस काम के लिए। तो डीसी सीटम आपका सीरीज मोटर की जब भी बात होती है तो कहते हैं कि इसे किससे स्टार्ट करते हैं, लोड के साथ, बिना लोड को इसको स्टार्ट कीजिएगा तो स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि सेल्फ इसको डैमेज करने की कैपेसिटी में होती है। तो इसको किस में यूज कर सकते हैं, देखिए फैंस, वाटर पंप, ट्रैक्शन और फ्लोर मिल, तो ये कई जगह भी यूज हो सकता है, यहाँ पे फ्लोर मिल में भी कई जगह यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सूटेबल है ट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजन जो होती है रेलवे इंजन उसमें ये लगा जाता है, लेकिन आजकल तो आपका सिंक्रोनस मोटर नहीं इंडक्शन मोटर लगने लगे हैं, लेकिन जब रेलवे की शुरुआत हुई थी तो उसमें आपका ट्रैक्शन मोटर डीसी सीरीज मोटर ही हुआ करता था, अभी भी कोई जगहों पे है जिसमें डीसी सप्लाई से चलता है मोटर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डीसी सीरीज मोटर सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है ट्रैक्शन के लिए, कई जगह अगर ट्रैक्शन नहीं रहेगा तो ये आटा चक्की मिल वगैरह में भी यही यूज होता है, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे 179, जिसमें आप देखिए इन ए कैपेसिटर द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन स्टोरेज इन, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोरेज होता है किस में, तो ऑप्शन है मेटल प्लेट, डाइइलेक्ट्रिक, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कैपेसिटर होता है जिसको Q बराबर हम पढ़ते हैं C बाई वी,
उसमें सी की बात कर रहा है, कैपेसिटेंस किस में चार्ज होता है, तो ये होता है मेटल की प्लेट में, जितनी प्लेट लंबी होगी और जितना बड़ा होगा डाइलेक्ट्रिक, इसको दोनों प्लेट को अलग अलग करने के लिए यानी प्लस और माइनस को अलग अलग करने के लिए होता है। मेन काम इसमें जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है वो मेटल की प्लेट में होती है, जैसे कार्बन कैपेसिटर हो गया या आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर हो गया या कोई भी टाइप के माइका कैपेसिटर हो गया, सब में मेटल प्लेट में ही कैपेसिटी आपकी उसकी इंस्टॉल होती है। डाइलेक्ट्रिक उसको प्लेट को सेपरेट करने का काम होता है। तो राइट आंसर आपका है यहाँ पे मेटल प्लेट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, ऑल रेडिएशन इन ब्लैक बॉडी आर, ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट काला वस्तु से क्या होता है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड है यानी आपको रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है, मोड़ देता है, ट्रांसमिटेड करता है और ऑब्जर्व करता है। तो ब्लैक, अभी कभी भी आप सुने होंगे ब्लैक बॉडी, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या करता है, जितने भी आपकी उस पर रे पड़ती है सबको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। इसका उदाहरण दैनिक जीवन में भी हमें मिलता है कि सर्दियों के दिन में हमें कहा जाता है कि काला कपड़ा पहने और गर्मियों के दिन में आपको बोला जाता है कि वाइट उजला कपड़ा पहने। इसका मकसद आप समझिएगा कि आप सर्दी में जब होते हैं तो आपको शरीर की एनर्जी की ज़रूरत होती है यानी धूप की ज़रूरत होती है या हीट की ज़रूरत होती है जो सनलाइट में होता है, तो काला बॉडी कपड़ा पहनते हैं जिससे वो हीट को ऑब्जर्व करके आपको शरीर में बनाए रखता है। गर्मी में आपको हीट की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इतना गर्मी मौसम रहता है जिस कारण से आपको हीट की ज़रूरत ही नहीं है, तो उजला कपड़ा को प्रिफेयर किया जाता है, वाइट शर्ट को, जिससे क्या होता है कि लेस एनर्जी ऑब्जर्व करता है। तो राइट ऑप्शन आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शन है कि वाइट सबसे कम ऑब्जर्व करता है और परफेक्ट वाइट बॉडी में आपका ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है यानी अपने अंदर खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है ब्लैक बॉडी। तो ये प्रश्न आपके पास हो गया। उसके बाद 181 में आएंगे। 181 प्रश्न आप देखिएगा, तो 181 में देखिएगा ट्रांसफार्मर किसको बदलता है ये बताना है, किसको बदलता है। ऑप्शन में देखिएगा फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, करंट है, बोथ बी एंड सी है। तो ट्रांसफार्मर की बात भी करेंगे तो सबसे पहले इसकी फंक्शन आपको जानना होगा। यहाँ फंक्शन जानने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आप इक्वेशन, एक होता है ट्रांसफार्मर के इक्वेशन जिससे सारा चीज़ें क्लियर होती है। तो इसके लिए आपको क्या होता है, V2 डिवाइडेड बाई V1 बराबर N2 डिवाइडेड बाई N1 बराबर I1 डिवाइडेड बाई I2 बराबर K, ये इक्वेशन है ट्रांसफार्मर का रेशियो का। और इस रेशियो को आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बदल रहा है, वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकता है, टर्न बदल सकता है, यानी टर्न इसका ट्रांसफार्मर का इंटरनल पार्ट है, वोल्टेज और करंट इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी अलग अलग पार्ट में इसकी बदलने वाली प्रॉपर्टी है। तो इस प्रश्न से क्या बदल सकता है, पहला वोल्टेज और दूसरा करंट बदल सकता है। फ्रीक्वेंसी की यहाँ जिक्र नहीं होती ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज और करंट बदलता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, बोथ वोल्टेज एंड करंट बोथ बदलता है। उसके बाद 182 नंबर प्रश्न देखेंगे, बोला हीट ट्रांसफर बाई ए रेडिएशन इज मेनली डिपेंड ऑन, अभी हम हीट ऑब्जर्वेशन की बात किए थे ब्लैक बॉडी की, यहाँ पे कह रहा है ट्रांसफ़र किसके द्वारा होता है, क्या कंडीशन होती है। तो पहला कह रहा है टेम्परेचर पे, यानी जितना ज़्यादा गर्म वस्तु होगा उतना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करेगा, बिल्कुल राइट है। दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ बॉडी, बॉडी किस प्रकार का है, खुरदरा है या चिकना है, बिल्कुल इस पर भी निर्भर करता है, उसकी सरफेस पे करता है। और काइंड एंड एक्सटेंड ऑफ दी सरफेस उसकी कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, यानी प्राकृतिक टेम्परेचर और उसकी सरफेस तीनों पे डिपेंड करता है। तो राइट आंसर यहाँ क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, सभी पे डिपेंड करता है किसी भी बॉडी से हीट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी। उसके बाद अगला है 183 नंबर, जिसमें डायबिटीज इन जनरल इन रिजल्ट ऑफ, डायबिटीज जो मधुमेह होता है वो किस कारण होता है और क्या इसका इंडिकेशन होता है वो बताना है इन जनरल में। पहला कह रहा है अंडर सेक्रेशन ऑफ द इंसुलिन, दूसरा कह रहा है अंडर सेक्रेशन ऑफ द थायरोक्सिन, तीसरा कह रहा है अंडर सेक्रेशन ऑफ ओइस्ट्रोजन और नन ऑफ द अबव। तो मधुमेह का संबंध किससे होता है, इंसुलिन से होता है, और इंसुलिन
कम निकलता है जिसके कारण से मधुमेह की प्रॉब्लम होती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, कम इंसुलिन निकलना मधुमेह की प्रॉब्लम है। और इस बीमारी का इलाज क्या है? डायलिसिस। अगर किसी व्यक्ति के कोई प्रॉब्लम हो गया है तो उसको हर हफ्ते डायलिसिस कराना पड़ता है, यानी इंसुलिन की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए ब्लड में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब एक सवाल यहाँ पे आता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैंक्रियाज के बीटा सेल से। पैंक्रियाज के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बार बार इंसुलिन का प्रश्न आता है जिसमें स्टेज वन स्टेज टू इस टाइप के अलग अलग होती है। स्टेज वन में माइनर प्रॉब्लम होता है, स्टेज टू में और मेजर बढ़ते जाता है। तो इंसुलिन के बारे में कहीं ना कहीं प्रश्न बहुत आते रहता है। उसके बाद 184 नंबर प्रश्न यहाँ डिलीट किया हुआ है क्योंकि वो जीएस और जीके से रिलेटेड नहीं था, फिर उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे हम 185 की बात करेंगे। द पावर ऑफ कंजप्शन ऑन एलईडी एज कम्पेयर टू एलसीडी में एलईडी के मुकाबले क्या होता है पावर कंजप्शन? तो आप जानते ही हैं एलसीडी ज़्यादा पावर कंजप्स करता है एलईडी के मुकाबले। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा मोर। एलसीडी में एलईडी के मुकाबले ज़्यादा पावर कंजप्शन होता है। तो जितने भी आजकल एलईडी के इक्विपमेंट होते हैं उसमें सबसे कम पावर कंजप्शन होता है, एलसीडी में थोड़ा ज़्यादा होता है। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितना का डिफरेंस होता है, तो एक 10 वाट की एलसीडी बराबर 7 वाट की एलईडी, दोनों की बराबर इफिशेंसी होती है। यानी कह सकते हैं कि एलईडी 70% इफिशियंट है किससे? एलसीडी से, बस। या और दूसरे टर्म में कह सकते हैं एलईडी में पावर सेविंग, क्या पावर सेविंग 30% होता है एलसीडी के मुकाबले। तो तीन चार तरह के प्रश्न जैसे पूछे वैसे प्रश्न को डील करना है। और आजकल एनर्जी सेविंग का कंसेप्ट में प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोर, यानी एलसीडी में ज़्यादा पावर। उसके बाद 186 नंबर देखिएगा, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को सबसे अच्छा बताने के लिए कौन डिस्क्राइब कर रहा है इनमें से, वो बताना है। पहला कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्राम ओनली, दूसरा कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम ओनली, कंट्रोल सिस्टम ओनली, और बोथ एन ए एंड बी। तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन जितने भी होते हैं फ्लोइंग डिस्क्राइब ए सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग प्रोग्राम यानी दोनों को मिला के बनते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आता है 187 नंबर प्रश्न जिसमें आप देख सकते हैं वन ऑफ द फ्लोइंग इज डज नॉट कंस्टिट्यूट ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंस्टिट्यूशन। हमारे संविधान में एक बेसिक इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है वो बताना है। तो पहला हमारे संविधान में देखिए रिपब्लिक शब्द आपको मिलेगा, सुपरन्यूएसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा यानी संविधान सबसे बड़ा है बिल्कुल मिलेगा। तीसरा है लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट, और चौथा है फेडरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इसमें देखिए लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट आपकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यानी बेसिक आपका जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट नहीं है। बाकी आपकी रिपब्लिक सुप्रीमेसी और फेडरल सिस्टम ये आपको प्रीएम्बल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो राइट यहाँ देखिएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी आपका, सी आंसर आएगा लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट। उसके बाद 188 नंबर प्रश्न है जिसको आप देखेंगे, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ जनरेटेड इज जनरेटर डिपेंड अपॉन द। तो फ्रीक्वेंसी आप जानते ही है, जनरेटर जो आपका फंक्शन होता है उसमें एन बराबर एफ माइनस 120 डिवाइडेड बाई पी। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड किसके किस पे करेगा, तो पहला नंबर ऑफ यानी स्पीड, कितनी तेज़ी से जनरेटर चलता है, कितनी गति से जनरेटर चलेगा उस पे डिपेंड करेगा। दूसरा पोल, उस जनरेटर में कितने नॉर्थ एंड साउथ की पोल की जोड़े हैं उस पर डिपेंड करेगा आपकी फ्रीक्वेंसी। तो भारत में जनरली फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं 50 है, और 50 लाने के लिए अगर पोल आपकी किसी भी मोटर की दो होगी, मिनिमम दो पोल होगी, तो आपकी स्पीड 3000 आरपीएम बनाएंगे
तब जाके आपकी फ्रीक्वेंसी 50 होगी। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये सारे प्रश्न ऐसा है तो इसको याद रखते हैं। इलेक्ट्रिकल में एन बराबर एफ इंटू 120 डिवाइडेड बाई पी, ये हमारा टर्म है। उसके बाद तो यहाँ देख सकते हैं स्पीड, नंबर ऑफ पोल और राइट आंसर हमारा ए एंड बी बोथ, दोनों पे डिपेंड करता है। उसके बाद 189 नंबर है, 189 नंबर प्रश्न ये लास्ट है आपका जेई 2014 रेड सेट क्वेश्चन का। अब उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा एलपी सीबीटी 1 2019-18 से शुरू हुआ था, अभी 19 में सीबीटी 2 चल रहा है, तो लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 189 नंबर पर पूछ रहा है सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी। लेकिन इस प्रश्न को ख़त्म करने से पहले एक लोगों का सवाल आया था कि ये सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन कैसे आ रहा है हमारे साइंस वाले टॉपिक में, यानी जीएस और जीए में। तो ध्यान दीजिएगा, जीएस आप जनरल साइंस पढ़ते हैं टेंथ का, तो आपको टेंथ में क्लियर दिखेगा कौन कौन टॉपिक पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बैटरी एंड सेल, जनरेटर एंड मोटर, ये सारा टॉपिक आपकी बेसिक का है। उभन आजकल रिन्यूएबल सोर्स भी ऑफ एनर्जी का पढ़ना होता है, ये सारा टॉपिक आपकी जीएस की फर्स्ट पार्ट यानी साइंस की टॉपिक का मेन हेडलाइट है, ये पढ़ना ही पढ़ना आपको है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल आपकी टेंथ की सिलेबस की जीएस है, जनरल साइंस में ये सारा टॉपिक ये आता ही आता है। तो सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज दी, सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा वो बताना है आपको। तो यहाँ देखिए पहले कह रहा है करंट कैपेसिटी इंक्रीज, लाइफ ऑफ सेल इंक्रीज, वोल्टेज रेटिंग इंक्रीज, टर्मिनल वोल्टेज इन इंक्रीज। तो टर्मिनल वोल्टेज की टर्म में बात करेंगे तो सेल आप कैसे जोड़ सकते हैं, एक आपके पास 1.5 वोल्ट की सेल है और ये आपके पास 5 है, तो इसको सीरीज में कनेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, एक का प्लस दूसरे का माइनस, दूसरे का प्लस अगले का माइनस, ऐसा प्लस माइनस प्लस माइनस और फाइनली जो प्लस माइनस, ऐसे जोड़ के आप आगे की तरफ सर्किट एक जोड़ के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक सेल 1.5 वोल्ट है और ऐसे ऐसे जोड़ के आप सारा पांचों सेल को जोड़ देंगे तो 1.5 इंटू 5 पाँच गुना हो जाएगा, यानी कह दें तो 7.5 वोल्ट आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा, आपकी टर्मिनल वोल्टेज पे। तो यहाँ लाइट देखिए टर्मिनल वोल्टेज इंक्रीज होगा जब सेल को सीरीज में जोड़ेंगे तब। करंट कैपेसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वोल्टेज रेटिंग आपकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ सकती है लेकिन टर्मिनल वोल्टेज सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, और लाइफ ऑफ सेल कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा, रेटिंग में आपको भी सुधार हो सकती है क्योंकि सीरीज है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टर्मिनल वोल्टेज सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको बाद। उसके बाद अब एलपी सीबीटी 1 वाला प्रश्न में आ जाते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न है। पहला कह रहा है 90 नंबर प्रश्न में, वे पौधे जिनमें पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं, खाली स्थान समूह से संबंधित होते हैं, किस समूह से संबंधित होते हैं यहाँ बताना है। प्लांट डेट डज नॉट हैव ए डिफ्रेंशिएट प्लांट बॉडी इन ग्रुप आर, क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं पहला है बायोफाटा, दूसरा है फेनरोगेम्स और तीसरा है टाइड्रोफाइटा और फाइनली है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा ऐसा आपका राइट आंसर है जिसमें पौधे की पत्ती और तना या फूल सारा अलग अलग नहीं होता, सब एक ही में होते हैं, इस टाइप के पौधे को थैलोफाइटा बोलते हैं, यानी इसके विभिन्न भाग अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका डी आ गया। उसके बाद 191 नंबर प्रश्न, 191 में आप आइएगा तो देखिएगा एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए एन एटम इज इक्वल टू, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है ये बताना है आपको। तो इस प्रश्न को आप देखने से पहले आप देखें इसका आंसर, तो पहले कह रहा है मास नंबर द्रव्यमान संख्या, दूसरा कह रहा है परमाणु संख्या, तीसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और चौथा कह रहा है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या एटम नंबर। तो ध्यान दीजिएगा किसी भी आपकी परमाणु होता है उसमें आपकी मास नंबर
बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों आपकी प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और यहाँ पूछ रहा है आपको न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा, तो न्यूट्रॉनों की संख्या किस बराबर क्या हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटोनों की संख्या यानी परमाणु संख्या। तो राइट आंसर आपकी क्या है, आंसर होगा डी। तो आंसर यहाँ हमारे पास आ गया है डी, पर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु की संख्या, या इंग्लिश में बोले मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये राइट आंसर डी। उसमें 192 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेप्रोट्रोप, उसके बारे में बताना है। तो ये सेप्रोट्रोप ऐसे प्राणी होते हैं जो आपकी निर्जीव वस्तुओं को खाकर जीवित रहते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसमें बैक्टीरिया भी आता है और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन देखिए, मैन, एल्गी, कुकुरमुता एंड कबूतर, पिंजन दिया हुआ है। तो मशरूम एक ऐसा है जो सेप्रोट्रोन की सेप्रोट्रोप की श्रेणी में आता है, और ये आपकी निर्जीव पे खाकर जीवित होता है। आपने देखा होगा सड़े गड़े पत्ते या कई जगह लकड़ी या कुछ और चीज़ों पे मशरूम पैदा होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी है, और भी बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ेंगे तो बहुत सारे मिल जाएगा। उसके बाद 193 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पीर पंचाल रेलवे सुरंग खाली स्थान में स्थित है, पीर पंचाल इन रेलवे टनल इज लोकेटेड इन, किस राज्य में भारत का है वो बताना है। तो यहाँ देखिए, पहले उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर है, तीसरा आपका सिक्किम है। तो ध्यान दीजिएगा, पीर पंचाल भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी होगा, पीर पंचाल हिमालय की एक श्रृंखला है, उसी के अंदर टनल बना के रेलवे की अभी लोकेट किया गया है। तो अभी ये 2-3 साल हो गए इसको चालू हुए है, तो इसमें जे एन के आएंगे। उसके बाद 194 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके मूल्य बढ़ने पर मुद्रा स्फीति बढ़ेगा, इंक्रीज द प्राइस ऑफ प्रोड्यूस इन इंक्रीज इन्फ्लेशन, किसके बढ़ने से मुद्रा स्फीति बढ़ेगा वो बताइएगा। तो यहाँ पे देख कर रहा है स्मार्टफोन यानी मोबाइल, मेडिसिन यानी दवाइयाँ, पेट्रोलियम, और तीसरा कह रहा है ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियों के बढ़ने से किसकी दाम बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगा। तो मुद्रास्फीति के टर्म अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और अर्थव्यवस्था में जब भी मुद्रास्फीति होती है तो आप एक चीज़ की प्राइस अगर बढ़ा देते हैं, एक वस्तु है उसकी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत सारी वस्तुओं के प्राइस बढ़ने की संभावना है। वो कौन सी है, आप स्मार्टफोन खरीदेंगे तो केवल स्मार्टफोन का प्राइस बढ़ेगा, मेडिसिन लेंगे तो मेडिसिन का बढ़ेगा, गाड़ियां लेंगे तो गाड़ियां का बढ़ेगा, लेकिन अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो इससे रिलेटेड जितने भी ढुलाई खाद्य पदार्थ या रिलेटेड बहुत सारे चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएगा, जिससे मुद्रा स्फीति बढ़ने की संभावना हो जाती है, यानी पेट्रोलियम। राइट आंसर यहाँ पे है सी। उसके बाद आपके पास है 195 नंबर प्रश्न, जिसमें पूछ रहा है अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में भिन्न होते हैं, अलैंगिक प्रजनन में खाली स्थान बताना है। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डेट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई बताना है। तो यहाँ देखिए सारा आपका लैंगिक प्रजनन, तो इस प्रश्न में आप देखेंगे तो वंश विविधता दर्शाता है, ये आपका लैंगिक प्रजनन के गुण है। दी ऑफ स्प्रिंग सो वेरिएशन, ये लैंगिक प्रजनन का है। प्रजनन में जुग्मक पैदा होते हैं, ये भी लैंगिक का है। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, बिल्कुल ये आपका अलैंगिक का ऑप्शन है। द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जनरेटेड आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद डी वाला भी देख लेते हैं, जुग्मक के केंद्रकों के संलयन होता है, ये बिल्कुल लैंगिक प्रजनन का गुण है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, ये होता है अलैंगिक प्रजनन में। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न आएगा 196 नंबर, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है लेकिन सोचने में टाइम लगेगा आपको। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, LPCVT 1 में आया हुआ है। मोमेंटम इज मेजरेड एज ए प्रोडक्ट ऑफ, तो यहाँ देखिए सभी में द्रव्यमान दिया हुआ था, दूसरा टर्म ढूंढना था, इसमें क्या हो सकता है, फोर्स, इनर्शिया, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये आपको बताना था। इस प्रश्न का यही खासियत था, और इसी प्रश्न के चक्कर में लोगों का कई के गलती हो गया। तो कई जगह आपने संवेग के ऐसा पी के टर्म देखा होगा, एम बराबर भी लिखा हुआ रहता है, तो एम से क्या हो गया मास, और भी से क्या हो गया वेलोसिटी यानी वेग, संवेग बराबर क्या हो गया द्रव्यमान और
वेग वेलोसिटी के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास 197 नंबर प्रश्न, 197 नंबर प्रश्न में देखिएगा, ऑक्टेक्सस वर्गीकरण के न्यूजीलैंड लॉ में निम्नलिखित सा कौन सा अंतिम तत्व है। तो ये आपको पूरी ये इसकी रूल पढ़नी होगी, आंसर आपको जानना चाहते हैं तो आसान सा है, आंसर में आपको इसको सवाल में मिल जाएगा, थोरियम होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट एलिमेंट ऑफ द न्यूजीलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेक्स क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें थोरियम अंतिम शब्द है, हम याद रखे हैं, ये प्रश्न कई बार आते हैं। उसके बाद 198 नंबर प्रश्न, 198 नंबर प्रश्न को आप देखिएगा थोड़ा आराम से। तो 198 में आपके पास है, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में कौन सा होता है, दर्पण के पूछ रहा है, दी रिफ्लेक्टर ऑफ दी सर्च लाइट इज क्या होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पहला कह रहा है बेलनाकार दर्पण, सबसे काट दीजिए नहीं होगा। उसके बाद समतल दर्पण नहीं होगा, या तो कन्वेक्स होता है या कनकेव होता है कहीं भी मिरर में, लेकिन यहाँ के केस में आपका आंसर आपके पास सामने है, कनकेव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में, यानी बाहर की तरफ जो रिफ्लेक्टर लगता है उसको लाइट को कंट्रोल करने के लिए एलईडी हो या एलसीडी, उसको कनकेव मिरर के रूप में यानी उत्तल दर्पण लगता है। उसके बाद अगला हमारे पास 199 नंबर प्रश्न है, वीडियो का सेकंड लास्ट, जिसमें कह रहा है पानी में ब्लीचिंग पाउडर को में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है वो बताना है आपको। ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, पहला कह रहा है ऑक्सीजन, दूसरा कह रहा है क्लोरीन, तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा कह रहा है हाइड्रोजन। यहाँ पे डी ऑप्शन है चौथा के रूप में, यहाँ सी लिखा गया है, तो कौन सी निकलेगी वो आपको बताना है। तो पानी में जैसे ही ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, ये राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 200 नंबर और ये सबसे लास्ट है, बोला किस संवैधानिक कानून के माध्यम से भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किए गए थे, बाई विच ऑफ द लेजिस्लेशन वेल द इंडिया एंड पाकिस्तान इज डिवाइडेड इंटू टू इंडिपेंडेंट नेशन, किस नियम के द्वारा दो अलग अलग बनाए गए थे संविधान में वो बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न लेकिन डिफिकल्ट, ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट आया था। पहला कह रहा है पाकिस्तान पार्टीशन एक्ट 1947, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, सी कह रहा है इंडिया पार्टीशन एक्ट 1947 और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। इस प्रश्न में देखते ही सबसे पहले देखिए कि पूछ रहा है कि पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान का रूल तो था नहीं, दो प्रश्न गलत। अब यहाँ पूछ रहा है इंडियन पार्टीशन एक्ट 1947 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947, मैक्सिमम लोगों ने इंडिया पार्टीशन एक्ट 1947 लगा दिया है, जो बिल्कुल गलत आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी पाकिस्तान को स्वतंत्र राज्य दिया गया था, देश दिया गया था, लेकिन भारत को भी इंडिपेंडेंट कराने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी, इसलिए इस रूल का नाम इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, क्योंकि जब ये पाकिस्तान बना था उसकी पहली शर्त थी कि भारत आज़ाद होगा उसके बाद ही कुछ होगा, यानी भारत आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान का निर्माण होगा, इसलिए इस रूल को बना रहा नाम रखा गया इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। कई लोग कह दिए कि पार्टीशन यानी भारत पाकिस्तान को अलग अलग किया गया इसलिए रूल ये था, तो ये गलत ऑप्शन है, राइट आंसर बी है। तो इसी तरह के वीडियो में हम आपका प्रयास करते रहेंगे, अभी हमारे पास 200 प्रश्न हो चुके हैं और टारगेट है कि जीए और जीएस का कम से कम 1000 प्रश्न आपके साथ रेलवे का पूछा हुआ लाए, जिससे आपकी प्रिपरेशन जेई आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी एग्जाम हो सब में ये प्रश्न कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।